मेरे गांव के जंगल किसी दंत कथा के समान रहस्यमय हैं, और वो शिकारी कुत्ते भी जो यहां रहते हैं ये किसी प्रेत छाया के जैसे हैं। तो फिर मेरे जैसा साधारण सा इंसान कैसे इन रहस्यमय जानवरों के बारे में जान सकता है? अगर मैं किसी आजाद शिकारी परिंदे की तरह दूर दूर तक फैले जंगलों के चंदोबे के ऊपर पंख फैलाए उड़ पाता तो मेरा ख्याल है मैं शायद अपने इन मनपसंद शिकारियों की जिंदगी के बारे में और भी कुछ नई बातें जान पाता। आखिरकार 15 साल की लगातार अथक कोशिशों से मुझे इनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है। उनके इलाके में किसी परिंदे की तरह दंत कथा के रहस्यमय पात्र पर नजर रखे हुए अप्रैल का महीना है। बारिश की पहली फुहार से धरती भीग गई है। नीलगिरी का जंगल दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसके 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सूखे जंगलों से लेकर नम ट्रॉपिकल जंगल फैले हुए हैं। मेरा नाम है सिनानी। मैं पिछले 15 वर्षों से जंगली कुत्तों का अध्ययन और फिल्मांकन कर रहा हूं। पिछले 3 वर्षों से मैं एक नायाब कुत्ते पर विशेष ध्यान दे रहा हूं जिसमें मुझे बेहद दिलचस्पी हो गई है। मेरे लिए ये जंगली कुत्तों का सिर्फ एक आम झुंड नहीं है, मेरे लिए हर एक कुत्ता एक किरदार है। मैंने इस नन्ही मादा का नाम रखा है चुकी, जिसका अर्थ है बिंदी या तारा। इसके पीठ पर छोटा सा सफेद धब्बा है और ये बहुत चंचल है। अब ये 1.5 साल की है। चुकी के 2 भाई हैं और मैंने उनका नाम रखा है ब्रदर्स। उनका स्वभाव जरा गंभीर है। झुंड में 3 पिल्ले हैं। अब ये करीब 5 महीने के हो गए हैं। ये कुत्ता अब झुंड का नेता है, यानी मुखिया नर। अभी नया नया आया है और मुझे करीब 4 साल का लगता है। मैंने इसका नाम रखा है द बॉस। लेकिन माँ कहाँ है? मैंने आज उसे नहीं देखा। शायद वो शिकार करने गई है। लीजिए, आ गई। जैसा कि नजर आ रहा है, परिवार का अस्तित्व इसी की बदौलत है। मैंने इसका नाम रखा है केनाई, यानी स्थानीय भाषा में लाल कुत्ता। इसे मैं इसके जन्म के समय से देख रहा हूं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब मुझे लगा था कि मैं केनाई को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसका जन्म 4 साल पहले 2 दिसंबर को हुआ था। इसकी माँ किलमाडी मेरे मनपसंद जंगली कुत्तों में से एक थी। वो पूरे नीलगिरी सुरक्षा वन के एक सबसे ताकतवर झुंड की अगुवाई करती थी। मैंने पूरे 6 साल तक केनाई की माँ किलमाडी पर नजर रखी और जैसे जैसे मैंने उसे जाना उसने भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार कर लिया। लेकिन जंगल एक खतरनाक जगह है और केनाई जब सिर्फ 1.25 साल की थी तभी एक हादसा हुआ। केनाई की मां किलमाडी मृत पाई गई।
इसकी गर्दन के पिछले हिस्से में दांतों के निशान हैं। सिर धड़ से अलग है। ओह, ये बाघ का हमला हो सकता है। दिल के चारों चेंबर में किसी में भी खून का थक्का नहीं है, जिसका मतलब है अचानक मौत, फौरन। पशु चिकित्सकों का दल इस नतीजे पर पहुंचा कि केनाय की मां बाघ के हमले में मारी गई। लेकिन जंगल में खतरों के बीच शोक मनाने का वक्त नहीं होता। अपने आप को जीवित बचाए रखने की जंग जारी रहनी चाहिए। एक मादा जिसका केनाई से कोई रिश्ता नहीं है, वो झुंड की नई नेता बन गई है। मुझे एहसास होने लगा कि नन्ही केनाई को झुंड की अगुवाई करने का मौका अब शायद ना मिल पाए और उसे प्रजनन का अवसर भी नहीं मिलेगा। झुंड में बने रहने का कोई कारण नहीं बचा। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए केनाई ने झुंड को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। झुंड की सुरक्षा को छोड़कर इस जंगल में अकेले रहना बिल्कुल आसान नहीं है। केनाई को दूर दूर तक जाना होगा। उसे कुत्तों के दूसरे झुंडों से, बाघों और तेंदुओं से बचकर रहना होगा और अकेले ही सीखना होगा शिकार करना। ऐसे मामलों में मैंने किसी भी कुत्ते को जिंदा बचे हुए नहीं देखा है। केनाई के झुंड का ताकतवर कुत्ता बॉस इन नन्हे कुत्तों का असली पिता नहीं है। वो परिवार में नया नया शामिल हुआ है। वो केनाई के साथी के बाघ द्वारा मारे जाने के 2 महीने बाद आया था। आमतौर पर झुंड के नौजवान कुत्ते किसी अजनबी कुत्ते के नेता बनने से खुश नहीं होते, लेकिन इस मामले में झुंड के सभी सदस्यों ने उसे मुखिया नर के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस पर शिकार के नए इलाके ढूंढने और दूसरे झुंडों से अपने इलाके की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। लेकिन नेता पर भी कभी कभी आलस छा जाता है। भरपेट खाने के बाद बड़ी उम्र के कुत्तों के आराम में कोई खलल नहीं डाल सकता, लेकिन नन्हे कुत्तों के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने आसपास की हलचल को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे गर्म और उमस भरे दिन में भी जरा सी हलचल उनका ध्यान आकर्षित करती है। ये है एक मॉनिटर छिपकली। मैंने गौर किया कि एक नन्ही मादा खास तौर पर ज्यादा उत्सुकता दिखा रही है। जंगली कुत्तों का अध्ययन करते हुए मेरा एक और नया दिन। झुंड पूरे जोश में है और शायद शिकार पर निकलने वाला है, लेकिन झुंड का नेता यानी बॉस उनके साथ नहीं है। वो बच्चों की देखभाल का आसान काम कर रहा है। वो बच्चों की देखभाल करने में खुश है, भले ही वो उसके अपने नहीं है। थोड़ी ही दूरी पर शिकार की कोशिश जारी है। निशाना है चीतल हिरन। केनाई भागते हुए हिरन तक छोटे रास्ते से पहुंच रही है और बाकी सब चारों ओर से घेर रहे हैं।
इस बीच बॉस झुंड का नेता होने का पूरा फायदा उठा रहा है। वो किसी राजा से कम नहीं है, जो मन में आए वो करता है। उसे पसंद है पूरा आराम। मैंने उसे शिकार करने में हिस्सा लेते कभी नहीं देखा, जबकि बाकी कम उम्र कुत्तों ने अभी शिकार करने के सभी गुर नहीं सीखे हैं। तो ये जाहिर है कि इससे परिवार की देखभाल की सारी जिम्मेदारी केनाई पर आ जाती है। छोटी उम्र के कुत्तों को झुंड में साथ काम करना सीखना होगा। अगर वो मिलकर तेजी से एक हिरण को नहीं दबोच सकते तो उन्हें कामयाबी मिलने की संभावना कम है। वो हिरण आसानी से बच निकला। केनाई के समान अनुभवी शिकारियों में भी सही वक्त पर हमला और पीछा करने के लिए जरूरी तालमेल में गड़बड़ी हो सकती है अगर साथी कम अनुभवी और छोटे हों। आमतौर पर चंचलता और कौतूहल से भरी रहने वाली ये नन्ही मादा आज शांत है और उदास भी। उसके बाएं कान में खून का थक्का जमा हो गया है, काफी सूजन है और उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। जब उसे कुछ नजर आता है तो तकलीफ के बावजूद वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाती। ये है एक धामन सांप। ये विषैला नहीं है लेकिन ये बड़े जोर से काट सकता है। बच्चा हमेशा उछल कूद करता रहता है। नन्हे बच्चों का आपसी खेल और धक्का मुक्की बहुत जरूरी है। इससे बच्चों के बीच वरीयता का क्रम बनाने और झुंड के आपसी संबंध मजबूत बनाने में मदद मिलती है। ठीक होने तक नन्ही बीमार मादा का कान बदसूरत हो गया, इसलिए अब मैंने उसका नाम रखा है छोटी, क्योंकि उसका कान मुड़ा है। इस बीच केनाई के भाई बड़े हो गए हैं और उनके खेल अलग हैं। झुंड में उनका क्रम और दर्जा उनके लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही उनकी शिकारी के रूप में अहम भूमिका रहेगी, लेकिन अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि वो जल्द ही झुंड छोड़ देंगे। क्योंकि झुंड का मुखिया उनका संबंधी नहीं है और झुंड की ताकतवर मादा उनकी माँ है, इसलिए इस झुंड में उनके लिए अच्छे भविष्य के अवसर कम हैं। लेकिन अगर वो इस मौके पर झुंड से अलग होने का फैसला करते हैं तो झुंड की मिली जुली ताकत पर गहरा असर पड़ेगा। शेरों की तरह शिकारी कुत्ते अपने बच्चों को शिकार करना सिखाने के लिए घायल शिकार नहीं देते। नन्हे कुत्ते शिकार करते हुए ही सीखते हैं और इन जंगली शूकरों ने उन्हें इसका एक अच्छा मौका दे दिया है। केनाई का छोटा सा झुंड इन हेकड़ी भरे जंगली शूकरों के लिए कोई विशेष खतरा नहीं है। ये काफी सख्त जानवर होते हैं। वैसे जंगली कुत्तों की गंध ही उन्हें डराने के लिए काफी है। अगर आप भी इन्हीं की तरह हकबका गए हों तो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाएंगे। मानसून ने दस्तक दी है और जंगल में बहार आ गई है। मौसम में ठंडक होने से कुत्ते सुबह के वक्त ज्यादा देर तक सक्रिय रहते हैं। छोटे कुत्तों की ट्रेनिंग में तेजी आ गई।
वो अपने कौशल को निखारने के लिए बड़े कुत्तों के साथ असली शिकार में शामिल हो रहे हैं। अगर भटक गए तो खो जाएंगे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के करीब बने रहना होगा और शिकार तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेकिन दल का नेता यानी बॉस अब भी शिकार करने में हिस्सा नहीं ले रहा, जबकि बच्चों को उसकी निगरानी की जरूरत अब नहीं है। शायद उसका इरादा कुछ और करने का है और वो शिकार में शामिल नहीं हो रहा। कुछ महीनों बाद बारिश में कमी आई है। केनाई के बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। सरल स्वभाव के ये विशाल हाथी तेज तर्रार नन्हे शिकारी कुत्तों को इनसे कोई विशेष खतरा नहीं है। हाथी की धीमी प्रतिक्रिया कुत्तों के लिए एक खेल बन गई है, खास तौर पर जब झुंड में छोटी जैसे सदस्य हों। हाथियों का जीवन काल लंबा होता है और उनके लिए अपना बच्चा एक बहुत कीमती पूंजी है, इसलिए वो हर खतरे को गंभीरता से लेते हैं। केनाई के तेज तर्रार और गुस्ताख परिवार का सामना करते हुए वो अपनी शान बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कुत्तों की भूख बढ़ती जा रही है और वो किसी ऐसे शिकार की तलाश में चल पड़े हैं जो उनका खाना बन सके। वैसे खाना ढूंढने के मामले में झुंड के सभी कुत्ते केनाई पर ही निर्भर हैं। झुंड दो दिनों से कोई शिकार नहीं कर पाया है। केनाई को आज कामयाबी मिलनी ही चाहिए, वो शिकार करने चल पड़ी है। छोटी और उसके युवा साथी केनाई की मदद के लिए बहुत उत्सुक हैं। बच निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाने पर हिरन पानी में कूद गया। केनाई तरकीब सोचने के लिए निकल गई है। कम उम्र कुत्ते और नन्हे बच्चे भी हिरन के बचने का रास्ता रोककर अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। हिरन के पास लगातार तैरते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है और आखिरकार वो पूरी तरह थक जाएगा। लेकिन इस बार हिरन खुशकिस्मत है, तालाब के बीच में उसे पैर जमाने की जगह मिल गई। वहां ठंड तो है, लेकिन इससे कम से कम शिकारी तो करीब नहीं आ रहे। ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए था। इतने सारे नौसिखिए कुत्तों के होने से झुंड को हालात से निपटने का हल नहीं मिल रहा। मैंने गौर किया कि केनाई वहां नजर नहीं आ रही। वक्त गुजरने के साथ झुंड की उलझन बढ़ रही है और शिकार में दिलचस्पी कम होती जा रही है। लेकिन ना जाने कहां से केनाई चालाकी से हिरन के एक बच्चे का पीछा करते हुए झुंड तक ले आई। इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी।
ब्रदर्स में से एक मदद करने के लिए कूद पड़ा है। इस दौरान तालाब के बीच खड़े हिरन को मौत के मुंह से बच निकलने का मौका नजर आया और वो कुत्तों की नजर बचाकर भाग निकला। केनाई का काम बनता जा रहा है। देखकर खुशी होती है कि वो अब सबसे तेज तर्रार चतुर मादा है जिसका अपना झुंड है। अब वो थोड़ा आराम कर सकती है या शायद ऐसा सोचती हो। अपने झुंड में कम उम्र और नौसिखिए सदस्यों के होने से केनाई को जंगल के किनारे जो थोड़ा बहुत शिकार मिलता है उसे भी पकड़ने में मुश्किल हो रही है। उसका साथी बॉस अब भी बेहद आलस दिखा रहा है और शिकार में मदद नहीं कर रहा। और इस पर भी मुश्किल ये कि एक और समस्या सामने खड़ी है। केनाई के दोनों बेटे यानी ब्रदर्स झुंड से अलग थलग घूमने लगे हैं। अगर वो इस वक्त झुंड से अलग हो जाते हैं तो केनाई के झुंड में सदस्यों की कमी हो जाएगी। ऐसे हालात में झुंड मुश्किल में पड़ जाएगा।